ट्रांसफार्मर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल करंट के वोल्टेज की सतह को तब्दील करने के लिए इस्तेमाल होता है। एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर में आउटपुट वोल्टेज बढ़ाए जाते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में आउटपुट वोल्टेज कम हो जाते हैं। सादातरीन ट्रांसफार्मर्स दो क्वाइल्स और एक आम लोहे की कोर पर मुश्तमिल होता है। प्राइमरी क्वाइल करंट के आने वाले सोर्स से मुंसलिक होती है और सेकेंडरी क्वाइल आउटपुट सोर्स से मुंसलिक होती है। प्राइमरी क्वाइल में बहने वाला करंट क्वाइल के गिर्द मकनतीसी मैदान पैदा करता है, फिर यह मकनतीसी मैदान आयरन कोर में से होता हुआ सेकेंडरी क्वाइल तक जाता है, जिसके नतीजे में सेकेंडरी क्वाइल में बर्की करंट पैदा होता है। प्राइमरी से सेकेंडरी वोल्टेज का तनासुब सेकेंडरी क्वाइल से प्राइमरी क्वाइल में टर्न्स की तादाद के तनासुब के बराबर है, लिहाजा जब सेकेंडरी क्वाइल में टर्न्स की तादाद प्राइमरी क्वाइल से निस्फ होती है तो सेकेंडरी वोल्टेज भी निस्फ हो जाते हैं। क्वाइल में बहने वाला करंट दाएं हाथ की गिरफ्त के असूल के मुताबिक आयरन कोर में मकनतीसी मैदान पैदा करता है। जब आप करंट की सिमत अपनी उंगलियों से क्वाइल के गिर्द अपने दाएं हाथ लपेटते हैं तो आपका अंगूठा मकनतीसी शुमाली पोल की सिमत इशारा करता है। आयरन कोर का मकनतीसी मैदान बाएं हाथ की गिरफ्त के असूल के मुताबिक सेकेंडरी क्वाइल में बर्की करंट पैदा करता है। जब आप अपने बाएं हाथ को क्वाइल के गिर्द लपेटते हैं, अपने अंगूठे से मकनतीसी बहाव की सिमत इशारा करते हैं तो आपकी उंगलियां क्वाइल में करंट की सिमत दिखाती। ट्रांसफार्मर्स बड़े वसी पैमाने पर इस्तेमाल होते हैं। इनका इस्तेमाल ट्रांसमिशन लाइनों में करंट के वोल्टेज को कम करने के लिए किया जाता है जो सार्फिन इस्तेमाल करते हैं। फोन चार्जर में भी ट्रांसफार्मर होता है जो मेन वोल्टेजेस को 5 वोल्ट में तब्दील करता है।